नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ 3 क्वेश्चन लगाए थे। पिछला लेक्चर के बाद मैंने 3-4 क्वेश्चन आपसे लगवा रहा था, आप लोगों ने 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने लगवाया था, आप लोग देखे होंगे। ये सेकंड लेक्चर है। जो भी छात्र अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा और आपको पहला लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप उसे पहले वॉच कर लीजिए और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जो सेफ्टी ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे, वो भी बेहद ही आसान होते हैं। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो किसी भी ट्रेड से हैं आपको 3-4 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो सेफ्टी से भी प्रश्न वो लोग पूछते हैं, क्योंकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट होता है। अब एनसीबीटी का पूरा सिलेबस हमारे इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़े तो आप लोग इजी वे कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रॉल कर रहा होगा, नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपको मेरे तरफ से, कोचिंग के तरफ से कॉल जाएगा और आपको ज्वाइन करना होगा। आप अगर आईटीआई किए हैं तो विश्वास कीजिए, घर नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लगातार बहाली आ रही है, बहाली की कमी नहीं है। आप एक बार ईमानदारी से सोचिएगा कि आपने कभी अच्छे से तैयारी किया है, क्या आपने आप पे आपने टाइम दिया है। आपने केवल सर्टिफिकेट लिया है तो सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। और इजी वे कोचिंग ओनली वन केवल आईटीआई छात्रों को पढ़ाता है। और आप देख रहे होंगे हम लोगों को नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना मेहनत करते हैं हम लोग। मेरे पास 12-14 लोगों की टीम है जो लगातार 12-12 घंटे, 14 घंटे हम लोग लगातार काम करते हैं। आप लोगों को ये नोट्स तैयार करते हैं, आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हैं जो प्रॉपर होता है। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपने पूरा लेक्चर एनसीबीटी का पूरा फुल सिलेबस हम लोगों से पढ़े होंगे तो आप मान के चलिए कि अगर आप सही से रिवीजन किए होंगे, 10 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका नौकरी डेफिनेटली निश्चित है कि हो जाएगा। तो पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन छूट गया था, बच गया था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे कि चौथे नंबर पर इनमें से कौन सा सबसे आवश्यक PPE है। PPE के बारे में मैंने पढ़ाया था, दो तरह का PPE होता है, एक मैंडेटरी होता है, मतलब जो आवश्यक होता है, एक होता है जनरल PPE। तो दो तरह का PPE के बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला है जूता, दूसरा है चश्मा, तीसरा हेलमेट और चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं और इस चक्कर में वो गलती कर बैठते हैं। तो गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि इनमें से, मतलब वो इन चारों में से सबसे आवश्यक, इस पे वर्ड पर ध्यान देना है, सबसे आवश्यक, वन ऑफ द बेस्ट, इन चारों में से सबसे जरूरी क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ए है जूता, बी है चश्मा, सी है हेलमेट और डी है उपयुक्त सभी। तो आप बताइए इसमें सबसे जरूरी, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, पूरे फुल बॉडी है और इस बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है। आपका ब्रेन होता है, सर होता है। अगर सर में चोट लग जाता है, सर आपका माइंड काम नहीं करता है तो आप जिंदा होते हुए भी मरे जैसे, इंसान जैसे रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप मतलब खत्म हो जाइएगा, बॉडी का कोई मतलब ही नहीं होता है। सर को बचाना बेहद जरूरी होता है। हाथ कट जाएगा जिंदा रह लीजिएगा, पैर कट जाएगा जिंदा रह लीजिएगा, लेकिन ब्रेन खराब हो जाएगा तो आप तो तुरंत इमिडिएटली मर जाइएगा। अगर बच भी गए तो आपका माइंड काम नहीं करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको रहना कैसे है, हमको टॉयलेट कहाँ जाना है, हमको खाना क्या है, कुछ नहीं पता नहीं चलेगा। तो सर को बचाना बेहद जरूरी होता है, इसीलिए आंसर होगा हेलमेट। बहुत सारे लोग गलत कर लेते हैं, उपयुक्त सभी मार देते हैं, लेकिन गलत है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में हेलमेट नहीं दिया हो, 3 ही ऑप्शन है, जूता, चश्मा और उपयुक्त सभी, इस कंडीशन में आप किसे आंसर करेंगे। तो अगर 3 ही ऑप्शन है, हेलमेट उसमें नहीं है, हेलमेट की जगह मान लीजिए जस्ताना लिखा हुआ है, ग्लव्स लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में दूसरा नंबर आता है जूता, आप इसे भी टिक कर सकते हैं जब हेलमेट नहीं हो तब। ये दोनों एक साथ रहे तब हेलमेट मारेंगे, हेलमेट नहीं हो तो आप जूता को टिक आउट करेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए दो इंपॉर्टेंट
सेफ्टी प्रिकॉशन होता है। किसी भी कंपनी में आप इंटर करेंगे तो आपका पहले हेलमेट चेक होता है, उसके बाद जूता चेक होता है, दोनों रहता है तभी आपको कंपनी में एंट्री मिलता है अंदर जाने के लिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग फायर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आग आपको पढ़ना है। और सेफ्टी में दो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होता है, पहला फायर होता है और दूसरा सेफ्टी साइन। ये दो जो टॉपिक है सेफ्टी का, ये हर एग्जामों में देखे गए हैं, प्रश्न आते हैं इससे, और आईटीआई के सभी ट्रेडों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आग को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, केवल अच्छे से सुन लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन से लग जाएगा। तो ध्यान से आप लोगों को फायर पढ़ना है, और ध्यान ये रखना है कि जो मैं आग पढ़ाने वाला हूँ, फायर पढ़ाने वाला हूँ, ये एनसीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो एक भी बातें इधर उधर की नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बातें हम कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें बोल सकते हैं जो आपके काम का नहीं होगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हम लोग कोर्स करा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही कस्टमाइज तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका सारा क्वेश्चन लग जाए। कहानी यहाँ नहीं सुनना है, आपको क्वेश्चन लगाने पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, उस तरह से ही हम लोगों ने नोट्स को डिजाइन किया है। तो ध्यान से, इसलिए बेहद ही ध्यान से आप नोट्स तैयार करेंगे, जो हम लोग बोल रहे हैं उसको राइट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे कि आग होता क्या है। तो मेनली आग तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये तीन चीज़ें क्या होती है, तो पहला जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है फ्यूल, और तीसरा होता है इग्निशन सोर्स, मतलब गर्मी का स्रोत। इस तीनों को समझने के लिए हम आपको एक फिगर और दिखाना चाहेंगे। यहां पर देखिए तीन चीजें हमारे पास, पहला ऑक्सीजन है, दूसरा है हमारे पास फ्यूल। फ्यूल में फ्यूल चार तरीके का होता है, लेकिन यहां पर जो फ्यूल है आप देख सकते हैं, पहला फ्यूल है लकड़ी। कोई भी फ्यूल रख सकते हैं, लकड़ी रख सकते हैं, पेट्रोल रख सकते हैं, गैसियस फ्यूल रख सकते हैं, मेटल रख सकते हैं, जो भी फ्यूल आपको जलाना होगा उसको यहां पर रख सकते हैं। मतलब ये फ्यूल है जो जलेगा, जो भी जलेगा उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। और वो जलता कब है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन को हटा लें तो फ्यूल नहीं जलेगा। और ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों को एक साथ भी रखेंगे तो तब तक आग नहीं लगेगा जब तक इसको उतना टेम्परेचर न मिल जाए। गर्मी का स्रोत का मतलब होता है टेम्परेचर। जैसे हम माचिस के तीली को जब हम जलाते हैं और सिगरेट के पास ले जाते हैं, सिगरेट जलने लगता है। मतलब सिगरेट को जलने के लिए कितना गर्मी चाहिए, उतना ही गर्मी चाहिए जितने माचिस के तीली में है। लेकिन क्या माचिस के तीली से इस पेन को जलाया जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता है। जैसे आपके घरों में गैस चूल्हा होगा, गैस चूल्हा पर जब गैस ऑन करते हैं और वहां पर लाइटर से जब आप उसको इग्निशन देते हैं तो गैस जलने लगता है। तो जो गैस जलता है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, जितना वो लाइटर देता है। तो मतलब उसी के लिए स्पेशल बना हुआ, लेकिन उस लाइटर से कि आप लकड़ी को जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। तो मतलब फ्यूल पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो गर्मी का स्रोत है वो कौन सा है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई भी वस्तु को आप जलाना चाहते हैं तो उसी के अनुसार आपको गर्मी का स्रोत भी डिसाइड करना होगा। जैसे अगर मेटल को पिघलाना होता है तो हम लोग बड़े बड़े भट्टियों में मेटल को, मतलब लोहे को, धातु को डालते तब पिघलता है, उसको हम घर पे नहीं पिघला सकते हैं। तो मेटल के लिए गर्मी का स्रोत बहुत ज़्यादा चाहिए। उसी तरह जो भी फ्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग गर्मी का स्रोत हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर समझ गए टेम्परेचर से। जैसे बचपन में हम लोग देखे होंगे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता था, उसमें ना एक लेंस आता था, और लेंस को हम लोग क्या करते थे, सूरज की लाइट में से रखते थे और नीचे एक पेज लगा देते थे, तो पेज जलने लगता था। मतलब तुरंत नहीं जलता, लेकिन कुछ देर बाद जलता था। और क्यों जलता था, क्योंकि वो जो कागज था, कागज का टुकड़ा और लेंस से जो उष्मा आती थी धीरे धीरे उसको गर्म कर देती है। गर्म होते होते वो उतना टेम्परेचर तक पहुंच जाता था जहां पे उसको जलना होता था, और वो जलना शुरू कर देता था। आप लोग किए होंगे, बहुत सारे बच्चे किए होंगे। तो इस तरह से हम लोग गर्मी का स्रोत और फ्यूल और यहाँ पे ऑक्सीजन तीनों को मिलाएंगे तो आग की उत्पत्ति हो जाती है, इससे हम आग बोलते हैं। और आग का जो ऑफिशियल डिफिनेशन है, मतलब किताबी जो लैंग्वेज है, वो ये है कि आग एक ऐसा रसायन शास्त्र है जिसके लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो तीन चीज़ें कौन है, ऑक्सीजन, लकड़ी और हीट। ये रासायनिक क्रिया है, आग जो लगता है ना ये एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया किसे बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस उसे बोला जाता है जिसमें वस्तु का जो फॉर्म होता है चेंज हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध अपना फॉर्म को चेंज कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करके क्या हो जाता है, दही बन जाता है। तो ये केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, रासायनिक क्रिया बोलते हैं। ये तीनों मिलता है तो आग लग जाता है और राख बन जाता है। तो ये क्या हुआ, रासायनिक क्रिया, जिसमें
वस्तु अपना प्रॉपर्टी को लॉस करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। इसीलिए यहां पर बोल सकते हैं कि आग एक ऐसे रसायन शास्त्र है जिसके लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप समझ गए होंगे आग क्या है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आग जो लगने की जो क्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, या और भी तरह का प्रोसेस का नाम दे सकता है, तो हम लोग क्या देंगे, केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है आग लगना। आग लगना क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। और इसमें तीन चीजें कौन कौन होती है यहां पर देख सकते हैं, पहला गर्मी का स्रोत, दूसरा दहनशील पदार्थ और तीसरा ऑक्सीजन। ये तीन चीजें हमें जरूरत पड़ती है और तीनों चीजें जब मिलती है तो आग का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं जंगल, और जंगल में भी आग कभी कभी लगता है। तो आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका के जंगलों में आग लगा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगा हुआ है, या भारत में भी कहीं कहीं जंगल में आग लग जाते हैं। कैसे लगता है जंगल में आग, क्या वहां पर कोई माचिस की तीली ले जाता है, या वहां पर कोई अग्नि का स्रोत है, ऐसा तो है नहीं, फिर आग कैसे लग जाता है। तो देखिए, जंगल में ऑक्सीजन तो है, जंगल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, मतलब एक चीज हमें मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। दूसरा वहां पर फ्यूल भी है, फ्यूल कौन सा है, लकड़ी क्या है, फ्यूल है, तो फ्यूल भी मिल गया। अब हमें चाहिए था हीट, टेम्परेचर आग लगने के लिए। तो जंगल में बहुत सारी लकड़ियां थी जो सूखी होती है, आप देखोगे वृक्ष की जो टहनियां होती है, कोई कोई टहनी सूख जाता है, और एक टहनी दूसरे टहनियों से रगड़ाती रहती है, रगड़ खाती रहती है, और रगड़ने से क्या होता है कि हीट पैदा होता है, और हीट से उसमें आग लग जाता है। जब एक टहनी जलना शुरू होता है उससे दूसरे टहनियों में आग लग जाती है, और बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसमें पत्ते बहुत होते हैं, उनका पत्ता सूखा हुआ रहता है, इससे आग फैलना शुरू हो जाता है और जंगल में एक भयंकर आग लग जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि जंगल में आग किसने लगाया, लगाता कोई नहीं, वहां पर ऑलरेडी फ्यूल अवेलेबल है, केवल गर्मी का स्रोत ये टहनियों को रगड़ खाने से पैदा हो जाता है, तो आग लग जाती है। तो आग समझ चुके हैं आप, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग समझेंगे कि आग कितने तरह का होता है। तो मेनली आग चार तरह का होता है, जिसको हम लोग अलग अलग क्लासों में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे पहला है क्लास ए, दूसरा है क्लास बी, सबको हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। यहां पर देख सकते हैं क्लास बी हो गया, इसके बाद क्लास सी आएगा, और इसके बाद क्लास डी आएगा। तो चार तरह की आग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो चलिए वन बाई वन करके समझते हैं कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, और क्लास सी क्या होता है, और क्लास डी क्या होता है। तो यहां पर हम लोग समझेंगे क्लास ए के बारे में। तो आग के प्रकार, ठीक है ना, अब आग के टाइप्स ऑफ फायर पढ़ रहे हैं हम लोग कि आग के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है, जो पहला क्लास होता है, उसको बोलते हैं हम क्लास ए, मतलब वर्ग ए आग। टाइप्स ऑफ फायर में हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं क्लास ए। क्लास ए फायर किसको बोलेंगे, तो ठोस पदार्थ में लगने वाले जो आग होता है उसको हम लोग क्लास ए में रखते हैं। जो भी दुनिया का कोई भी चीज है जो ठोस है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे आपका एक कपड़ा हो, चाहे वायर हो, या कोई भी ऐसा चीज हो जो आपको सॉलिड दिखता है, ठोस दिखता है, उसमें आग लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लास ए फायर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये लकड़ी है, जो लकड़ी में आग लगता है इसको भी क्लास ए में रखते हैं, क्योंकि लकड़ी क्या है, ठोस है। इसके बाद पेपर हो गया, जो पेपर में भी आग लगता है, पेपर में कॉपी किताब जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल हो उसको हम किस में रखते हैं, क्लास ए में रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है क्लॉथ, मतलब कपड़े, कपड़ों में भी आग लगता है, ये भी ठोस है, सॉलिड है, तो इसे भी हम लोग क्लास ए में रखते हैं। और क्लास ए के आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं क्लास ए को बुझाने के लिए हम लोग वाटर का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, और पानी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके हम लोग क्लास ए टाइप में लगने वाले आग को बुझा देते हैं। आगे जब हम चारों टाइप्स पढ़ा लेंगे तो आपको एक टेबल देंगे कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे कौन से आग को बुझाने के लिए, आपको एक टेबल देंगे जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के आग को बुझाने के लिए हम किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। समझ गए आप, क्लास ए टाइप का फायर। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास बी, क्लास बी मतलब वर्ग बी का आग, दूसरे टाइप का जो आग होता है उसको हम लोग क्लास बी टाइप का आग बोलते हैं। और इसमें जो आग होता है वो कैसे लगता है, तो ज्वलनशील द्रव, फ्लेमेबल लिक्विड में लगने वाले आग को वर्ग बी में रखा जाता है। इस बात को समझिए, द्रव में आग लगता है, मतलब लिक्विड में आग लगता है, उसको हम लोग क्लास बी में रखते हैं। लेकिन क्या सभी लिक्विड में आग लगता है,
तो नहीं लगता। जैसे वाटर क्या है, लिक्विड है, लेकिन इसमें आग लगता है, नहीं लगता है। मतलब वैसा द्रव जिसमें आग लग जाता हो उसको हम लोग क्लास बी में रखेंगे। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, बहुत सारे सिंथेटिक ऑयल होते हैं उसमें भी आग लगता है। तो जिस भी लिक्विड में आग लगता है उसको हम लोग क्लास बी में रखते हैं, ठीक है। और किस टाइप का लिक्विड, जो ज्वलनशील हो, ज्वलनशील लिक्विड में लगता जो आग है उसको हम लोग क्लास बी में रखते हैं, ठीक है। जो जलता ही नहीं है तो उसको क्यों रखेंगे, जैसे वाटर हो गया, ये भी लिक्विड है लेकिन ये जलेगा नहीं, तो इसको हम लोग नहीं मानते, इसको फ्यूल नहीं मानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो डीजल हो गया, मोटर ऑयल हो गया, किरोसिन हो गया, क्लीनिंग सॉल्वेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इत्यादि को हम लोग किस में रखते हैं, क्लास बी फ्यूल में। अब यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करें तो फोम हो गया और ड्राई पाउडर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये तीनों से हम लोग लिक्विड में लगने वाले आग को बुझा सकते हैं। फ्यूल यहाँ पे क्या क्या है, डीजल है, मोटर ऑयल है, किरोसिन है, और हमारा फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, यहाँ पे फोम है, ड्राई पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब इनमें आग लगेगा तो किससे बुझेगा, फोम से बुझा सकते हैं, ड्राई पाउडर से बुझा सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बुझा सकते हैं, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पे एक नोट करके लिखा हुआ है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है नोट, कि वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड। कभी भी हम लोग क्लास बी में जो आग लगता है उस पर कभी भी हम लोग वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे बुझाने के लिए, समझ गए। कि वाटर का प्रयोग हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं किसको बुझाने के लिए, क्लास बी के टाइप के जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए। क्यों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाटर का प्रयोग क्यों नहीं करें, क्या वाटर से नहीं बुझेगा। तो देखिए, बुझाने के लिए तो वाटर, पानी का प्रयोग कर दें किसी भी चीज को तो सारा चीज तहस नहस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एक छोटे से एरिया में हम देखें तो वहां पर वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि वाटर भारी होता है, पानी का जो द्रव्यमान होता है बहुत ज्यादा भारी होता है, और जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, उसका द्रव्यमान हल्का होता है। तो जैसे आप पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और नीचे जो तेल होगा उसको ऊपर भेज देगा, जाओ भाई जल लो, ऊपर तो जल ही रहा है, नीचे वाला को भी तेल को उसका देगा कि भाई आप भी जाओ जल लो, तो आग और भड़क सकता है क्योंकि जलने के लिए और तेल उसे मिल जाएंगे। इसीलिए पानी का प्रयोग नहीं करते, पानी जाकर नीचे बैठ जाता है और नीचे वाले तेल को ऊपर भेज देता है, तो आग और फैल जाता है, इसलिए हम लोग पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे चलेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम लोग क्लास सी फायर, तीसरे टाइप का जो आग होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और ये क्लास सी क्या होता है, तो यहां पे ज्वलनशील गैस होता है, फ्लेमेबल गैस या तरलकृत गैस, लिक्विफाइड गैस बोलते हैं। वैसा गैस जो ज्वलनशील हो, जिसमें आग लगता हो, या तरलकृत गैस हो, लिक्विफाइड गैस हो और इसमें आग लगता हो, इसको हम लोग किस में रखते हैं, क्लास सी टाइप के आग में रखते हैं। जैसे आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी होती है वो सिलेंडर के अंदर में लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है वो गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो अंदर जो गैस होता है बहुत ही हाई प्रेशर से कंप्रेस करके रखा रहता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों कंप्रेस करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग गैसियस फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे तो एक जो बड़ा वाला सिलेंडर में 14 केजी आता है वो आपको 2 केजी में फुल हो जाएगा जब गैस के फॉर्म में रखेंगे तो। लेकिन हाई प्रेशर से लिक्विड कर देते हैं तो उतना ही बड़ा सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैसों को हम रख लेते हैं, तो उसमें भी आग लगता है। और बहुत सारे ज्वलनशील गैस जिसमें आग लग जाता है, तो गैसों से जो आग लगते हैं उसको हम लोग क्लास सी फायर बोलते हैं या क्लास सी के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसका फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की बात करें यहाँ पे, तो फ्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में फ्यूल है, यहाँ पे एसिटिलीन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, प्रोपेन है, प्रोपलीन है, मीथेन है, ये बहुत सारे गैसे हैं जिसको हम लोग क्लास सी में रखते हैं और ये ज्वलनशील है, मतलब इसमें आग लग सकता है। इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ड्राई पाउडर से ये सारे जो गैसेस है इसमें आग जो लगता है उसको हम लोग आसानी से बुझा सकते हैं। आप लोग ये सोचकर टेंशन में नहीं होना कि केवल एक एग्जाम्पल बता रहे हैं अग्निशामक का, मैं एक पूरा टेबल बता दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्यूल को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है क्लास डी, वर्ग डी टाइप के आग। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो धातु समझते हैं, मतलब मेटल या विद्युत उपकरण में लगने वाले आग को हम लोग क्लास डी में रखते हैं या कहते हैं, क्लास डी के आग कहते हैं। तो कौन कौन सा है, मेटल हो गया और विद्युत उपकरण। मेटल मतलब कोई भी मेटल, लोहा हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी,
किसी भी मेटल में आग लगता है तो क्लास डी में होता है, या विद्युत उपकरण में कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है उसमें आग लगता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, क्लास डी में रखते हैं। तो यहां पर इसके फ्यूल की बात करें कि इसका फ्यूल क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए जैसे यहां पे ट्रांसफार्मर में आग लगा हुआ है, यहां पर देखिए मेटल को क्या क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लोहा है पिघल गया है, कैसे हो गया, इसमें आग लगाया गया है, आग लगाकर इसका टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया जिससे ये पिघल गया है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है, मतलब इसमें भी आग लगी हुई है, ये मेटल है, ये क्लास डी का है। और जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या है, विद्युत उपकरण है, ट्रांसफार्मर क्या है, विद्युत उपकरण है, इसमें भी आग लगा हुआ है, मतलब ये क्लास डी का आग है। अब समझिए यहां पे क्लास डी के फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्यूल का एग्जांपल यहां पर समझ लीजिए, क्या हो, ट्रांसफार्मर हो गया, मेटल हो गया। अब इसको बुझाते कैसे हैं, बुझाने के लिए हम लोग यहां पे सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग हेलॉन गैस बोलते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में आपको पूछ देता है कि इनमें से कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से, अग्निशामक से हम लोग क्लास डी के आग को बुझाते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको हेलॉन गैस रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीटीसी को ही हेलॉन गैस बोला जाता है। हेलॉन गैस बोलिए या सीटीसी बोलिए, दोनों एक ही होता है, या पूरा नाम यहां पर दे देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे देगा, तो आपको इसको टिक करना होगा। क्लास डी के फायर आग को बुझाने के लिए मात्र एक ही अग्निशामक बनाया गया है जिसका नाम है सीटीसी या हेलॉन गैस या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका प्रयोग करके हम लोग मेटल में लगने वाले आग और विद्युत उपकरण में लगने वाले आग को बुझा सकते हैं, समझ गए। और फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। आप देख सकते हैं यहां पे टॉपिक आ चुका है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक बोला जाता है इसको। हिंदी में क्या बोला जाता है, अग्निशामक, मतलब अग्नि को बुझाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब अग्निशामक हिंदी में इसको बोला जाता है। अग्निशामक क्या होता है आप देख सकते हैं, एक सिलेंडर होता है जिसमें अग्निशामक भरा रहता है और इसी सिलेंडर के मदद से हम लोग आग कहीं भी आग लगता है उसको बुझा देते हैं। ये अलग अलग प्रकार का आता है, सीटीसी का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ड्राई पाउडर का होता है, बहुत सारा अलग अलग तरीके का अग्निशामक हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेफ्टी पिन होता है, इस सेफ्टी पिन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और नीचे वाला जो हैंडल होता है इसको दबाते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे दबाएंगे और हम लोग खुद सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। कैसे खड़ा है, ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ा होते हैं और हाथों को 90 डिग्री पर रख के हम लोग बुझाने का काम करते हैं ऐसे। ये आपके दोनों का एंगल है ना 90 डिग्री बनना चाहिए और इस तरह से जहां भी आग लगा उसको पूरी तरह से आगे पीछे करके, मतलब ऐसे ऐसे करके बुझाते हैं। एक जगह केवल नहीं हम फोर्स करेंगे, हम लोग सभी जगह जितने भी एरिया में आग दिखता हो सभी एरिया में हम लोग छिड़काव करते हैं जिससे आग बुझ जाती है। और ये सिलेंडर अलग अलग टाइप के होते हैं, सीटीसी का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, इसके अलावा ड्राई पाउडर का होता है। तो जिस भी तरह का आग बुझाना हो उस तरह के सिलेंडर मार्केट में अवेलेबल है, लोग खरीद कर अपने यहाँ रखते हैं। मार्केट में दो तरह के सिलेंडर मेनली चलती है, एक CO2 का और सीटीसी का। ये दोनों सिलेंडर देखते होंगे, बहुत सारे मॉल में जाते होंगे या किसी शॉप पर जाते होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिखता होगा CO2 का सिलेंडर वहाँ पर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे भी हम लोग किसी तरह के भी आग को बुझाने में काम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ये किताबी भाषा है जिसको आप लोग लिख लेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक क्या है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिससे आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, विशेष प्रकार का उपकरण है जो आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के काम में लाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप का यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ, जैसे देखिए ये वाटर का भी है, ये पाउडर का है, ये CO2 है, ये फोम है, यहाँ पर वेट केमिकल है। तो अलग अलग तरीके सिलेंडर अवेलेबल होते हैं किसका, अग्निशामक का। जिस भी तरह का आग लगने की संभावना हो वहाँ पर उस सिलेंडर का हम लोग पहले से ही रखे रहते हैं और आग को हम लोग बुझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए आपको हम टेबल के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह के आग को बुझाने के लिए किस तरह के अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे, पहला है इधर देखिए अग्निशामक है, इधर क्या है, अग्निशामक, ठीक ना, अग्निशामक बोलते हैं हिंदी में। और ये क्लास ए फायर है, मतलब वर्ग ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, और कुकिंग ऑयल एंड गैस। अब बताइए वाटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्लास ए में करेंगे, क्लास बी में, क्लास सी में या क्लास डी में, किस में करेंगे, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर दीजिए आप लोग। तो पहला है क्लास ए में हम लोग करेंगे, ठीक ना, क्लास बी में,
नहीं करेंगे, क्लास सी में उसमें भी नहीं करेंगे, क्लास डी में उसमें भी नहीं करेंगे, और क्लास नेक्स्ट है ऑयल एंड गैस उसमें करेंगे, इसमें भी नहीं करेंगे, कुकिंग वाले में भी नहीं करेंगे। ये आपके सिलेबस से बाहर का है, ठीक ना, ये डी तक ही है। इसके बाद फोम, फोम का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, वाटर हो गया, फोम का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, क्लास ए में करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, क्लास ए में करेंगे, ठीक है, क्लास बी में देखिए करेंगे, ठीक है, क्लास सी में नहीं करेंगे। फोम का प्रयोग हम लोग क्लास सी में नहीं करेंगे, मतलब गैसियस फॉर्म में हम लोग नहीं करते हैं फोम का प्रयोग, क्लास डी में इसमें भी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब है ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, क्लास ए में करेंगे हम लोग ड्राई पाउडर का, बिल्कुल करेंगे, क्लास बी में बिल्कुल करेंगे, क्लास सी में बिल्कुल करेंगे, और क्लास डी में बिल्कुल करेंगे, मतलब तीनों में कर सकते हैं कि इसका ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन डी में हमेशा सीटीसी का प्रयोग होता है, वो नहीं है तो ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग, क्लास ए में नहीं करेंगे, क्लास बी में करेंगे, क्लास सी में बिल्कुल करेंगे, क्लास डी में करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग हम लोग मेटल में लगने वाले आग को भी बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका टेबल जिसमें बताया गया है कि ये चार अग्निशामक का प्रयोग किस किस आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं, टेबल को याद रखिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, रिवीजन करके जाना है। इस टेबल को हटाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक गैस मैंने बताया था आपको, सीटीसी, हेलोन गैस, हेलोन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हेलोन गैस का प्रयोग मतलब सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं क्लास डी के आग को बुझाने के लिए, मतलब मेटल में जो आग लगता है, जो इलेक्ट्रिक उपकरण में आग लगता है उसको बुझाने के लिए, लेकिन उसका प्रयोग किसी भी आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं। ये जो सीटीसी जो सिलेंडर होता है, ये हेमोपैथिक दवा है, हेमोपैथिक दवा समझते हैं ना, कोई भी बीमारी हो हेमोपैथिक दवा काम आ जाता है, मतलब कहीं किसी बीमारी में हेमोपैथिक दवा दे दीजिए, लेकिन अंग्रेजी का दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी भी दवा का किसी में प्रयोग नहीं कर सकते, उसी तरह सीटीसी होता है, सीटीसी का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी आग को बुझाने में सक्षम है, चारों तरह के आग को बुझाने में सीटीसी सक्षम है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए टेबल में उसको हम नहीं डाले हैं, वो अगर सीटीसी लिखेंगे तो सब में टिक कर लीजिए, सब में उसका प्रयोग होता है, ठीक है, आप समझ गए। अब हम समझेंगे, तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि एनसीबीटी के सिलेबस में तीन तरह के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी दी गई है और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस तीनों फायर एक्सटिंग्विशर को समझना बेहद जरूरी है, ये तीन अग्निशामक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। तो जो पहला है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ये पहला देखेंगे, तो पहला है आपका सीटीसी एक्सटिंग्विशर, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें जो पहला लाइन है कि बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, आपको याद भी हो गया क्योंकि इतना हम बोले हैं इसके बारे में कि आपको याद हो गया होगा, ये क्लास डी के फायर को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका नाम सीटीसी या हेलोन गैस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलकर याद करवा दिया हूँ। नेक्स्ट है, इसमें पीतल के बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका केमिकल सूत्र क्या होता है, CCl4, ये भी दे देगा एग्जाम्पल में, ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना होगा, इसको भी याद कर लीजिएगा कि तरल पदार्थ से भरा जाता है, ठीक है, और इसमें इसके सिलेंडर के ऊपर डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है जिसे एक विशेष हैंडल द्वारा दबाने पर तरल पदार्थ बाहर निकलता है और बुझाने का काम करता है। तो ये सिलेंडर देख लीजिए, ये डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है, इसके अंदर में वो जो गैस है वो भरा रहता है, एक्चुअली ये सीटीसी सिलेंडर नहीं है, ये CO2 सिलेंडर है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए आपको बता देते हैं कि इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड भर रहा था और यहाँ पे ये हैंडल है, हैंडल दबाइएगा तो एक बार दबाने से बाहर नहीं आएगा, बार बार ऐसे दबाना पड़ेगा क्योंकि डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है। डबल एक्टिंग क्या होता है, जैसे आप हैंड पंप आपके घरों में होगा, हैंड पंप एक बार दबाते हैं तो क्या करता है, ऊपर की तरफ आता है, तो मतलब नीचे के पानी को खींचता है, और जैसे उसको उठाते हैं मतलब नीचे की तरफ धकेलते हैं तो जो पानी खींचा था उसको बाहर की तरफ ढकेल देता है, उसी तरह ये एक बार दबाइएगा तो
तो नीचे वाले गैस को ऊपर छोड़ेगा और दूसरा दबाइएगा तो फिर दोबारा से वो गैस को खींचेगा। तो ये डबल एक्टिंग होता है, ठीक है। ठीक है, तो डबल एक्टिंग फोर्स पंप इसमें लगा होता है, बस इतना ही है इसको समझने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोम एक्सटिंग्यूशर, फोम अग्निशामक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है भाई? तो फोम अग्निशामक के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसमें इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तैलीय पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तैलीय पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं, मतलब तैलीय मतलब जो लिक्विड वाले पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड वाले फ्यूल होते हैं उसमें जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। शुरू में ही आपको बताए थे इसमें दो कंटेनर होता है, ठीक ना। इसमें दो कंटेनर होता है और दो गैसें भरी होती है। पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और दूसरा होता है अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4। ये दोनों का मिक्सचर उसमें भरा रहता है, मिक्सचर नहीं रहता, अलग अलग कंटेनर में दोनों को रखा जाता है और निकलते समय ये दोनों मिल जाते हैं आपस में। इसके बाद इसके पहचान के लिए इसके बॉडी पर भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है। इसका पहचान कैसे करेंगे कि ये फोम वाला है? तो भूरे रंग का हाथ का चिन्ह ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बना होगा ऐसे, तो आप उससे पहचान लेंगे कि ये क्या है, ये फोम अग्निशामक है। और डबल इसमें दो सिलेंडर होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ये है और एक ये, एक में क्या होगा अल्मोनियम सल्फेट होगा और दूसरे में यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों का घोल भरा रहता है और निकलते समय दोनों मिलते हैं, तब इसके बाद आग बुझाने का काम करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि इसके बॉडी पे भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेशल टाइप का सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर अग्निशामक। ये क्या होता है? तो सोडा एसिड मेनली स्पेशल कैटेगरी के लिए बनाया गया है। ये कार्बोनेशियस आग होता है ना, उसको बुझाने के लिए काम करता है, जैसे कोयला हो गया, चारकोल हो गया, ये सब कार्बोनेशियस आग होता है, जीवाश्म होता है। हजारों साल जब पृथ्वी के अंदर हमारे पेड़ पौधे जो जंतु होते हैं जानवर ये सब दब गए थे और ये धीरे धीरे कार्बन के फॉर्म में चेंज होते होते ये कोयला बन गया, कोई चारकोल बन गया, इस तरफ के जो आग होते हैं कार्बोनेशियस आग होते हैं उसको बुझाने के लिए ये काम होता है। अब कोयला क्या होता है? ये भी ठोस होता है, तो क्या ये वाटर से बुझाया जा सकता है? पानी से नहीं बुझाते, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सोडा एसिड का। तो सोडा एसिड का प्रयोग किस पे होता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कार्बोनेशियस आग लकड़ी अर्थात कोयला, वस्त्र इत्यादि बुझाने के लिए, तो मेनली कोयला होता है। और एग्जाम्पल जो आपसे देता है तो पूछता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कि कार्बोनेशियस आग को बुझाने के लिए हम किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर दे देगा सोडा एसिड, वाटर, CTC, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप किसको करेंगे? सोडा एसिड को करेंगे। लेकिन अगर दिया रहेगा कि सॉलिड ठोस वस्तुओं में लगने वाले आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सोडा एसिड, वाटर, CO2 और CTC रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे? वाटर डालेंगे, वाटर मारेंगे आंसर में, टिक करेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पहचान कैसे होता है भाई? इसके पहचान के लिए इसके बॉडी पर पीले रंग का हाथ का चिन्ह बन रहा था, उसमें भूरा रंग था किसमें? फोम वाले में। और कार्बोनेशियस में क्या होता है? सोडा एसिड में पीला रंग का हाथ का चिन्ह बना था, ऐसे ऐसे पीला रंग का हाथ का चिन्ह इससे बना रहेगा इस सिलेंडर के ऊपर। इससे आप लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सा है? सोडा एसिड है। समझ गए? तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सेफ्टी साइन, और उस लास्ट लेक्चर रहेगा, अगला लेक्चर लास्ट रहेगा जिसमें सेफ्टी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और आज के लिए इतना ही था, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, पूरी तरह से अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट होगा, मतलब ये अगला जो टॉपिक लेक्चर आएगा सेफ्टी का, उसमें चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट होगा आपके मोबाइल पे आप आसानी से दे सकते हैं, तो उसके लिए ध्यान ये रखना है कि रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। पढ़ाना, पढ़ना और क्वेश्चन लगाना दोनों में अंतर होता है, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाइए, किताब निकालिए, जो जो टॉपिक पढ़ा दिए उस टॉपिक का प्रश्न को लगाइए और आगे तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।